ठीक है जोशी जी, पौने ठीक तीन है लाख से जीतेगी, पौने तीन ठीक लाख से प्लस मिलेगा, ठीक है और पौने ठीक तीन लाख से मैं इनसे माफी मांगूंगा, ठीक मैं है माफूंगा, और ये मांगेंगे मुझसे माफी, ठीक है इन्होंने जोशी जी, जनता को बिल्कुल झूठ बिल्कुल बोलकर लिख हमसे लिया डरा। लिख लिया, मेरे तो दिमाग में लिख जाता, मुझे कागज की जरूरत काम, नोट कर लिया हुजूर, बात 20-30 साल खत्म, से इसी काम में अमिताभ जी, हम भी नोट कर, पुराने चावल हैं, अरे नए रुक जाओ चावल नहीं भाई, है। अब रुक जाओ, नोट कर लिया भैया, सुन तुम भी नोट कर लो उमेश यादव जी, है ना, मैनपुरी का वोटिंग परसेंटेज लेके आप दोनों लोग सार्वजनिक उसमें अपनी अपनी भूमिका का निर्वाह करेंगे, अगर आपकी बात सही हुई तो जोशी जी माफी मांगेंगे, और जोशी जी की बात सही हुई तो उमेश यादव जी माफी मांगेंगे, ठीक बात, फेयर है ना, तब तक शांति व्यवस्था बनाए रखो, मैं ये कह रहा हूं, तीन चरण एक भी निपट बता गए, दीजिए चार और अमिताभ जी, निपट एक चीज जाएंगे, और काहे बता दीजिए, परेशान हो, ठीक एक चीज और बता दीजिए, आप एक जी चैनल में रोज बहस होती है, तो सुन लीजिए मेरी बात, जी ये घोषी क्या अमेरिका अमेरिका में डाल दिया क्या आप दो लोगों ने, पाकिस्तान में डाल दिया क्या, ये इंडिया से हटा दिया है, बता दीजिए, मैं इंटरनेशनल किसको रिलेशन का स्टूडेंट हूँ, नहीं घोषी किसको, इंडिया से बाहर हो गया क्या, बता दीजिए अच्छा आप ये बता दीजिए, आप ठीक मेरी है मत जोशी बता, जी, नहीं इंडिया से बाहर है तो मैं नक्शे से बाहर करता हूँ घोषी, बाहर से आज ठीक कर देता हूँ मैं, इंटरनेशनल रिलेशन की अभी किताबें रोक दीजिए पढ़िए, मैं इनकी कर आवाज, देता हूँ उसको अब बाहर, शरद त्रिवेदी के पास चलूंगा, जोशी जी सेंटी हो गए, आज से 1 जून तक मैं रोज अपने शो में एक बार घोसी बोलूंगा ताकि समाजवादी पार्टी का हृदय प्रफुल्लित रहे, आज से 1 जून तक वोटिंग सातवें चरण की रोज अपने शो में शुरुआत करने के बाद बोलूंगा घोसी घोसी घोसी, फिर अगली बात करूंगा ताकि समाजवादी पार्टी का, और मैं देखूंगा उस घोसी घोसी का माला ताबीज गले में डाल के आप 80 में से कितनी सीटें जीतते हैं, घोसी तो पीछे हो गया ना मित्र, अब तो आगे चुनाव है, अब तो घोसी घोसला हो गया, घोसले जैसा छोटा, अब तो 80 लोकसभा सीट का चुनाव है मित्र, कहां विधानसभा चक्कर पड़े हो, 3 लाख की कॉन्स्टिट्यूएंसी, 3.25 लाख की, और कहां 18 लाख की कॉन्स्टिट्यूएंसी, कहां पीडीए सीडीए चक्कर पड़े हो जोशी जी, इन चक्करों में ना रहो, वो नर्सरी की पढ़ाई और ये एमए की पढ़ाई बराबर है क्या, बड़ा इम्तिहान है लोकसभा का, इसको उसी गंभीरता से लो, उस चक्कर में ना पड़ोगे, घोसी में हमने झंडा गाड़ दिया तो अब पूरे देश में झंडा गड़ गया, और आ रहे भैया त्रिवेदी जी, हमको लोग भटका भी देते हैं ना जोशी जी जैसे लोग, आप गोरखपुर और फूलपुर जीत कर आए थे ना, उसके बाद क्या स्थिति बनी आपकी आगे के चुनावों में, आपको लगा था कि हमने सत्ता पलट दी, उसके बाद से आप चुनाव ही नहीं जीते, आप आजमगढ़ हार गए, रामपुर हार गए, जब हार गए तो हमने पूछा तो समाजवादी पार्टी के मित्रों ने कहा अग्निहोत्री जी उपचुनाव है इसकी क्या चर्चा करना, घोसी जीत गए तो बोले यही चुनाव है असली, सारे देश का थर्मामीटर घोसी में है, रामपुर क्यों हारे बोले इस छोड़ो रामपुर छोटी छोटा चुनाव है, आजमगढ़ क्यों हारे बोले छोटा चुनाव है, घोसी बोले इंटरनेशनल चुनाव है, इंटरनेशनल क्या, इसी पर पूरे भारत का चुनाव तय होगा, कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक एक एक वोटर घोसी को देख के वोट डालेगा, चलिए यह भी मान लेते, क्या फर्क पड़ रहा 4 जून को, भैया त्रिवेदी जी समाजवादी पार्टी ने ऐलान कर दिया कि बाकी कुछ नहीं, घोसी इंटरनेशनल चुनाव था, पूरे भारत का बैरोमीटर है, थर्मामीटर है, जब घोसी में हमने पीडीए जीत लिया तो मान लेना चाहिए कि पूरे देश में हो गया चुनाव, कुछ नहीं, खत्म, खड़ा, जैसे राहुल जी कहते हैं ना, टाटा बाय बाय, खड़ा हो गया, त्रिवेदी जी प्रताप जी देखिए, भुवन भाई हमारे परम मित्र हैं और वकील भी हैं और प्रोफेसर भी हैं लॉ के, हम एक वकालत में कहते हैं पेशबंदी, कि केस क्या है वो एक अलग कहानी है लेकिन पेश क्या करना है जज साहब के सामने वो एक अलग कहानी है, तो आप देखें कि इन्होंने जैसे अभी आपने कहा रामपुर और जो ये आजमगढ़ है, जो एक आजमगढ़ था और एक आजम का गढ़ था, दोनों जगह इनको मालूम था कि हारने वाले हैं, तो इसलिए सबसे पहला काम है जब जब लड़ाई हारने वाली होती है तो सबसे पहले जो जनरल है उसको वहां से निकाला जाता है, तो वहां पे अखिलेश जी दोनों जगह नहीं गए, उन्होंने कहा कि साहब यहाँ तो हारने वाले जाके अपनी इज्जत काहे को गंवाए, तो वहां से अलग हट गए।
अभी आप देखें आपके चैनल पे ही अभी 20 मिनट पहले अखिलेश जी खुद ही कह रहे थे कि देखिए यहाँ पे जो है एसएसपी और डीएम और एडीएम और सिटी मजिस्ट्रेट यहाँ क्या कर रहे हैं, ये पेशबंदी है कि जब जब चुनाव में इनके खिलाफ रिजल्ट आएगा तो ये जनता को बताएंगे कि साहब देखिए इसका गलत इस्तेमाल किया गया है, सरकार ने अपने तंत्र का इस्तेमाल गलत किया जिसकी वजह से हम हार गए हैं। ईवीएम मशीन के बारे में जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, उसके बाद भी कांग्रेस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी हम अपने कार्यक्रम जारी रखेंगे ईवीएम के खिलाफ, तो ये अभी से पेशबंदी कर रहे हैं क्योंकि निकाय चुनाव में इनके जो पिछले निकाय चुनाव तो उसमें दो पहले उससे पहले इनके मेयर की सीट आई थी वो भी इनके हाथ से चली गई, अब सिर्फ राज परिवार रह गया। और जब जहाज डूबता है तो एक एसओएस सिग्नल भेजा था सेव आर सोल कि हमें आइए और आप हमें बचाइए, जब डिंपल जी कन्नौज से उनको शिफ्ट किया गया उन्होंने कहा कि साहब यहाँ इनकी तो नैया डूब जाएगी तो इनको वहां शिफ्ट किया जाए, तो कन्नौज के लोगों ने कहा कहने लगे साहब हम कुछ संभाल नहीं पाएंगे आइए आप हमें बचा लीजिए, तो अब अखिलेश जी जो चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे उन्होंने कहा कि साहब चलिए हम आके आपकी जान बचा लेंगे, राहुल जी जो है वो अमेठी से एक तरफा टिकट कटा गया वायनाड का, वायनाड में उनको पता चल गया कि हारने वाले हैं तो वो रायबरेली आ गए, तो ये जो टिकट मांग रहे हैं उनको मिल नहीं रहा है, आधे से ज्यादा लोग इनका टिकट लेना नहीं चाहते हैं और राज परिवार जो है अब खाली ये चाह रहा है कि कम से कम नाम जो है एक वो राज परिवार का नाम चलता रहे कि भाई एक बेटे से दूसरा बेटा से तीसरा बेटा जो है वो कम से कम एक परिवार का नाम तो चले, पार्टी तो निपट चुकी है और जनता को इनके ऊपर विश्वास नहीं है और पार्टी के कार्यकर्ताओं को नेता पे कोई विश्वास नहीं है, तो थोक में तो इनके नेता छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, हर रोज आप देखें कि चाहे उनके प्रवक्ता छोड़ के आ रहे हैं चाहे उनके नेता छोड़ के आ रहे हैं, सांसद विधायक मंत्री आए दिन कोई ना कोई छोड़ के इनको जा रहा है, तो हकीकत सामने है और जिसको अंग्रेजी में कहते हैं राइटिंग ऑन द वॉल, दीवार पे क्या लिखा अब सबको दिखने लगा है, पहले ये बात छुपी थी अब सब कुछ सामने आ गया है, और किसका इन्होंने भला किया है पीडीए जो भी बता रहे हैं पीडीए लेके आए थे उसमें उन्होंने कहा था कि सर पीडीए में ए जो है वो अल्पसंख्यक है, 3 महीने बाद उन्होंने कहा नहीं 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 ये बेवकूफ नहीं बन पा रहे हम इसको अगड़ा कर देते, फिर उन्होंने कहा ए माने अगड़ा होता है, तो हर कौम को बेवकूफ बनाएंगे ठीक हर भाई, को हम ठीक है। मनीष अग्रवाल एक एक बुनिया एक सवाल सबसे वही पूछूंगा जो उत्तर प्रदेश के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, मुलायम सिंह जी की अनुपस्थिति में ये पहला चुनाव है जो अखिलेश यादव लीड कर रहे हैं, अन्यथा अभी तक जितने चुनाव हुए 22 का चुनाव था पिछला उसमें भी मुलायम सिंह थे, मुलायम सिंह जी ठीक जी। उनका निधन उसके बाद हुआ अक्टूबर में नवंबर, ये पहला चुनाव है जिसमें अखिलेश जी लीड कर रहे हैं और नेताजी नहीं हैं, इस उसको कैसे देखते हैं इस स्थिति को, क्योंकि समाजवादी पार्टी का जन्म ही नेताजी के हाथों से हुआ और वो वही उसका एक प्राण तत्व थे पार्टी का। अमिताभ जी बहुत अच्छा प्रश्न है, 4 जून को जैसे आप बार बार कहते हैं ना यही रिजल्ट का वैलिडेशन आएगा, तभी तो एक ही परिवार के 5 लोगों को टिकट दिया है कि किसी प्रकार हमारा जनाधार जो है इंटैक्ट रहे, हमारी फैमिली इंटैक्ट रहे, ये बड़ा मुश्किल दौर है समाजवादी पार्टी के लिए, नेताजी की जगह समाजवादी पार्टी को इमेजिन करना, आप देखते हो आप तो जानते ही होंगे माननीय प्रधानमंत्री जी ने रैली में कहा था वहां पे आके कि नेताजी ने मुझे आशीर्वाद दिया था तो 2019 में मैं प्राइम मिनिस्टर बना, तो भाजपा इन चीजों को अच्छे से इस्तेमाल करती है और नेताजी के विकल्प के रूप में अभी मुझे नहीं लगता कोई भी नेता समाजवादी पार्टी में उस स्तर तक तैयार हो पाया है, नेताजी की जमीन पे पकड़ बहुत अच्छी थी, अगर उनके बाद किसी की जमीन पे पकड़ है तो शिवपाल यादव जी को मैं फिर भी मानता हूँ कि समाजवादी पार्टी में उनकी कार्यकर्ताओं पे जमीनी कार्यकर्ताओं पे आज भी बहुत अच्छी पकड़ है, वो लोगों को नाम से जानते हैं और अगर उन्होंने समाजवादी पार्टी को लीड करा होता तो शायद कुछ और रिजल्ट आते। ठीक उमेश यादव यही प्रश्न आपसे, मुलायम सिंह जी के बिना पहली बार समाजवादी पार्टी चुनाव में है अखिलेश जी की लीडरशिप में, कैसे देख रहे हैं? देखिए समाजवादी पार्टी में आदरणीय नेताजी की कमी कहीं ना कहीं खलेगी ये तो सत्य है, और जो नेताजी के अंदर नेतृत्व क्षमता थी उसका 10% तक अगर अखिलेश यादव जी में होता तो आज परिणाम 17 से लेकर 24 में जो होने जा रहा है ये परिणाम नहीं होता, एक घोसी का सैंपल रैंडम मेथड लेकर आप घूम रहे हैं या डिंपल जी का सहानुभूत भरा चुनाव, उसके अलावा कौन सी बड़ी जीत हुई है, जिला पंचायत तक के चुनाव बहुतायत में वो हार गए हैं,
उनके समर्थक प्रधानी तक के चुनाव हार गए हैं अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। इससे बड़ा उदाहरण आदरणीय अमिताभ जी कोई जोशी, ठीक जो जोशी साहब, प्रोफेसर जोशी, वही सवाल आपसे। भाजपा और कांग्रेस, भाजपा बड़े संदर्भ में, एक सीमा तक कांग्रेस चूंकि राष्ट्रीय पार्टी है, और भी चेहरे हैं उसके पास, वैसे तो गांधी परिवार ही है लेकिन फिर भी, लेकिन सपा में ऐसा नहीं था। समाजवादी पार्टी का मतलब एक से लेकर दस तक नेताजी, दस के बाद फिर बाकी का नाम पता देखो कि नारद राय हैं कि आजम हैं कि अंबिका चौधरी हैं कि कौन है एक्स वाई जेड। अब वो नहीं है नेताजी। पहली बार अखिलेश जी चुनाव में उतरे हैं, लीड कर रहे हैं, इस परिवर्तन को कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं माननीय अखिलेश यादव जी मेरे नेता हैं, मैं इसके इसलिए नहीं कह रहा, मैं एक बात मानता हूं कि माननीय अखिलेश यादव जी के आने से समाजवादी पार्टी में जो पढ़ा लिखा तबका है उसने बहुत जोर शोर से अपनी एंट्री ली है, सम्मान पाया है, और वो लड़ता है, कहीं ना कहीं जमीन पे भी लड़ता है, कहीं ना कहीं आपके माध्यम से भी लड़ता है। तो ये माननीय अखिलेश यादव जी की लीडरशिप है, उन्होंने उसको जो दाग लगाने का काम करते थे या जो विपक्षी हमारा कहने का काम करते थे उसको भी साफ करने का काम, अगर किसी लीडर केवल लीडरशिप, वो माननीय अखिलेश यादव जी के जो नीट एंड क्लीन पॉलिटिक्स को करने में विश्वास करते हैं माननीय अखिलेश यादव जी। और इसको कहीं ना कहीं सभी लोग, चाहे हमारा व्यक्तिगत रूप से टीवी में आप विरोध करें, ये बात अन्य लोग भी कहने का काम। ठीक ठीक है जोशी जी, ठीक। त्रिवेदी जी, त्रिवेदी जी, उत्तर प्रदेश के लिए ये एक बड़ा राजनीतिक पड़ाव है कि मुलायम सिंह यादव के बिना चुनाव, और उसमें अखिलेश यादव लीड कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली, कैसे देख रहे हैं? क्योंकि ये प्रश्न केवल सपा का ही नहीं है, मुलायम सिंह यादव का होना और ना होना उत्तर प्रदेश की पूरी राजनीति को प्रभावित करता है। देखिए, इस मामले में तो लग रहा कि किसी को कोई शक है कि अखिलेश जी मुलायम सिंह जी नहीं है, ना वो है, ना पद इनका वो है। ठीक है, इनको सत्ता में, क्योंकि वो राज परिवार के हैं तो उनको सत्ता मिलनी ही थी, जैसे बिहार में जो है तेजस्वी जी को मिलनी है, सबको तो वो पहले से बंदा तय होता है कि किसको सत्ता मिलेगी। लेकिन मैं आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूँ, दो चीज की मैं गारंटी दे रहा हूँ कि जब चुनाव का नतीजा आएगा तो दो काम होंगे, एक संविधान की हत्या हो जाएगी और दूसरा जो ईवीएम मशीन खराब हो जाएगी सारी, जितनी 400 सीटों पे कम से कम, हो सकता उससे ज्यादा भी हो। तो ये जो ये आखिरी सांसें ले रहा है विपक्ष उत्तर प्रदेश में, अब ये सिर्फ राज परिवार अपनी अपनी साख बचाने के लिए लगे जी। इसके अलावा कोई ठीक है, ठीक है, त्रिवेदी एक मिनट जोशी जी, एक मिनट, सिर्फ इतने का उत्तर मुझे चाहिए, बाकी तो आप बोली चुके काफी अच्छा, कि 4 जून को अगर परिणाम विपरीत आए, अगर है ना, तो ईवीएम चोर है और संविधान की हत्या और लोकतंत्र की हत्या आदि आदि, ये दोनों शब्द प्रतिबंधित होंगे, इनके अलावा कोई उत्तर देना होगा जोशी जी? ठीक है, मान्य अमिताभ जी, एक बात बताना चाहता हूँ। 2019 का स्कोर ये था कि 16 सीटें विपक्ष पे थी, बाकी इनके एनडीए के लोगों के पास, ये स्कोर है ना 64+64 और 16 का, अगर विपक्ष को और भारतीय जनता पार्टी को जोड़ देना बैठ जाएंगे, कौन कितना घटा कौन कितना बटा 4 तारीख को पता चल जाएगा। ठीक, और ये कोई विषय नहीं है ना ईवीएम का, ना कोई विषय है। ठीक ठीक, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मुझे भारतीय जनता पार्टी के एक बात का जवाब देने दीजिए। मैं कहना चाहता हूँ बहुत सम्मान से वकील साहब आपको, ये जरूर है अगर आपकी सरकार बन गई, ये पूरा देश चंडीगढ़ बना दोगे आप, इतने जाने लोग। ठीक है जोशी जी, आगे आ गए।